हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे न्यूटनस लॉफ ग्रेविटेशन जो कि एक इम्पॉटेंट टॉपिक है न्यूटनस ऑफ ग्रेविटेशन सपोज हमने दो मासिस लिए हैं एम वन एंड एम टू जिन मासिस का डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है आर और मासिस सपोज फर्स्ट पार्टिकल का मास है एम वन सेकेंड का है एम टू अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है पहले तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब समझ लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल मतलब हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल ले लो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स अट्रैक्ट करेगा एक पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई फ़ोर्स लग रही है तो सपोज डीज टू पार्टिकल्स एम वन एंड एम टू द टू पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाई अ फोर्स एफ और ये वाली फोर्स द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस ये दोनों के मासिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम टू पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट हो रही है मतलब फोर्स लग रही है दोनों के बीच में तो वो फोर्स दोनों के मासिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है द स्क्यर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस और एट लास्ट फाइनली क्या आ जाता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रपोर्सनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम दिस फोर्स दिस इज़ द फोर्स यही है न्यूटरसल ऑफ ग्रेविटेशन और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है न्यूटरसल ऑफ ग्रेविटेशन की एवरी एवरी पार्टिकल का यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस directly proportional to product of their masses m1 m2 and inversely proportional to the square of distance between their centers that is r square वही दो बार्टिकल्स हैं दोनों के मासिस m one m two है तो जो फोर्स होगी वो directly proportional होगी उनके मासिस से और जो inversely proportional होगी the square of distance between them दिस इज़ फोर्स और जब हम दो सारी इक्वेशन को कम्बाइन कर देंगे यहाँ पर रिजल्ट आता है कि दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मासिस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन है तो प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कोई कॉन्सटेंट आता है और वो वाला कॉन्स्टेंट आता है उस कॉन्स्टेंट दैट इज अवर जी फोर्स इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वेयर दैट फोर्स इज़ इक्वल टू एम वन एम टू बाई एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर यहाँ पर जो जी है दट इज़ जी इसको हम जी को क्या कहते हैं दट इज़ जी इज़ कॉन्सटेंट और इसको ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट कहते हैं हेयर जी इज़ ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट दट जी यहाँ पर जो जी है वो ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है और उसकी वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन टेन टू पर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर किलोग्राम इनवर्स स्क्वेयर दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जी जी जो कि ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है उसकी वैल्यू ये होती है जी ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट सो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है फोर्स इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर यहाँ पे एम वन एंड एम टू आर द मासेज ऑफ टू बॉडीज और आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज़ फोर्स दिस इज़ अवर न्यूटनस ऑफ ग्रेविटेशन और फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाता है और डायमेंशनल फार्मूला अगर कहीं पूछ लिया जाए कि क्या होता है विट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी दैट इज़ एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी माइनस टू इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला और इसको हम क्या कहते हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट वट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ थैंक यू